माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम फ्रिक्शन की। और देखिए, यहाँ हम जो प्रॉब्लम लेके आते हैं उसका पर्पज़ ये रहता है कि आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। हमारी कोशिश ये नहीं है कि आपको इतनी मुश्किल प्रॉब्लम लेके आए यहाँ पर कि उसका कोई मतलब ना हो और कभी एग्जाम में ना आए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द एक्सेलेरेशन A1, A2, A3 ऑफ थ्री ब्लॉक शोन इन द फिगर इफ़ ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड। फर्स्ट पार्ट में देखिए हम 2 kg ब्लॉक पे लगाएंगे और तीनों के एक्सेलेरेशन निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में हम 10 न्यूटन का फोर्स 3 kg पे लगाएंगे और फिर हम तीनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन निकालेंगे। और थर्ड जो पार्ट है उसमें हम 7 kg पे लगाएंगे और फिर तीनों के एक्सेलेरेशन निकालेंगे। ओके, और ये जो डेटा आपको दे रखे हैं इसमें देखिए, ये स्मूथ सरफेस है नीचे वाला, उसके ऊपर 7, देन 3 और सबसे ऊपर 2 kg रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो 2 और 3 के बीच में है वो 0.2 है और 3 और 7 के बीच में 0.3 है और नीचे वाले जो सरफेस है वो स्मूथ है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट देखिए मैंने क्या किया कि 2 kg का जो ब्लॉक है ना उस पर मैंने 10 N का फोर्स लगा दिया। ओके, अब देखिए हमें ये देखना है कि ये 10 N फोर्स क्या 2 kg को इस 3 kg पे स्लाइड कर पाएगा या नहीं। और इसी तरीके से 3 kg टुगेदर विद 2 kg 7 पे स्लाइड कर पाएगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसके बीच में 2 और 3 के बीच में, वो अगर इससे कम होगी राइट तो ये स्लाइड कर पाएगा, अदरवाइज नॉट। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं मैक्सिमम F1 और यहां निकाल लेते हैं F2। तो फ्रिक्शन जो F1 और F2 के बीच में होगा, सॉरी 2 और 3 के बीच में होगा, वो मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। तो ये आएगा μ1 × N1। ओके, और यहां पे देखिए म्यू की जो वैल्यू है वो 0.2 के बराबर दी हुई है इसमें, और नॉर्मल रिएक्शन जो यहां पर होगा वो करेस्पॉन्ड्स टू 2 kg। तो देखिए ये जो वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 और ये करेस्पॉन्स टू दिस 2 kg, दैट इज 2g फॉर 10 m/s² जो हमें दे रखा है। तो यहाँ मैंने N1 लगा दिया 2 × g और g की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी 10, ये निकल के आ गया 4 N। ओके, और इसी तरीके से देखिए मैंने फिर यहाँ पे F2 निकाल लिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे F2 निकल के आ गई μ2 N2, यहाँ पे μ2 0.3 है जो ये दिया हुआ है और N की वैल्यू इन दोनों की वजह से आएगी 2 और 3 की वजह से, तो यहाँ पे N जो आएगा 5g के बराबर आएगा। ओके, और ये देखिए मैंने फिर g की वैल्यू यहाँ रख दी 0.3 × 5 × 10, ये निकल के आ गया 15 N। ओके, अब देखिए जो 10 N फोर्स लगाया हमने वो यहां पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ रहा है वो है F1, क्योंकि 2 kg इधर खिसक स्लाइड करने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन ही से पीछे लगेगा F1 राइट, लेकिन 10 N ज्यादा है F1 से, तो इसका मतलब है ये 2 kg इस पर स्लाइड कर जाएगा राइट। तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम खींच लिया इस और इसके बीच में। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट देखिए, ये नीचे वाला जो ब्लॉक है वो तो हमारा 7 kg का हो गया और इसके ऊपर 3 kg का हो गया और ये स्लाइड कर गया है। ओके, तो 10 N हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे आ गया 4 N, इसका रिएक्शन जो फोर्स जो आएगा वो यहाँ आएगा 4 N। ओके, तो अब जरा देखिए ये तो स्लाइड करेगा इसके ऊपर इधर चलेगा, लेकिन अब हमें ये देखना है ये जो 4 N फोर्स आ रहा है वो फोर्स जो फ्रिक्शन का रिएक्शन है इधर क्या यहाँ से सेपरेट कर पाएगा इस 3 kg को 7 से। तो इसके लिए मैंने F2 जो लगा हुआ है ये फ्रिक्शन जो निकाला है वो है 15 N। ओके, अब क्योंकि 15 N जो है इससे ज़्यादा है तो इसलिए ये यहाँ से सेपरेट नहीं होगा और ये दोनों मिला के एक सिंगल यूनिट की तरह 3 और 7 10 kg का एक यूनिट जो है
इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा, और क्योंकि ये स्मूथ है यहां से तो ये एक यूनिट बन जाएगी और 4 न्यूटन से ये स्लाइड करेगा इसके ऊपर, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो एक तो एक्सेलेरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का आ गया जो A1 के बराबर हो गया। ये बराबर हो गया नेट फोर्स, इस पर नेट फोर्स हो गया 10 आगे लगा हुआ, 4 पीछे लगा हुआ है, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ दिस, दैट इज 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई इट्स मास, दिस 6/2, दैट इज 3 m/s². ओके, और अब देखिए ये 4 न्यूटन का जो फोर्स है उनको दोनों को मिला के एक साथ खींचेगा इसके ऊपर, तो एक यूनिट हो गई और एक तरह से ये पूरा 10 kg का एक यूनिट हो गया। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं तो इस पर नेट फोर्स कितना हो गया 4 न्यूटन ओनली, तो ये दोनों एक्सेलेरेशन बराबर होंगे A2 = A3, और ये हो गया हमारा नेट फोर्स 4 / टोटल मास, दैट इज 10, और ये आ गया 0.4 m/s². ओके, तो ये पार्ट हमारा जो है जिसमें हमने 10 न्यूटन का फोर्स सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाया और तीनों के एक्सेलेरेशन हमने सेपरेटली निकाल दिया। ओके, और अब देखिए सेकेंड पार्ट में हम ये करेंगे कि सेकेंड पार्ट में हम अब 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। ओके, अब देखिए यहां पे सवाल ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था 3 और 7 के बीच में जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके वो था 50 न्यूटन, तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि ये 10 न्यूटन जो यहां इसको सेपरेट नहीं कर पाएगा, स्लाइड नहीं कर पाएगा, तो ये तो दोनों एक साथ रहेंगे 3 और 7। अब बात ये आती है कि जब ये 10 न्यूटन इसे खींचेगा तो क्या 2 kg इसके साथ चलेगा या नहीं चलेगा, तो इसके लिए हम इस इंस्टेंट पर ये मान लेते हैं कि 2 kg जो है इन्हीं के साथ चलेगा, 3 के साथ चलेगा और 3-7 के साथ चल ही रहे हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने अभी एज जो एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है वो लेस देन F2 मींस 50 न्यूटन है, तो ये 3 जो है 3 kg विल नॉट सेपरेट फ्रॉम 7 kg, और फिर मैंने ये भी मान लिया कि ये तो सेपरेट होंगे नहीं, 2 kg भी इसके साथ चल रहा है ऐसा मान लिया मैंने, तो पूरा एक यूनिट बन गया 2, 3, 5 और 7, 12 का किसके ऊपर चलेगा इसके ऊपर, ये स्मूथ है यहाँ पे, तो इसका मतलब पूरे सिस्टम पे एक नेट फोर्स 10 न्यूटन का लग गया, और इस 10 न्यूटन से ये देखिए 10 न्यूटन से नेट फोर्स, तो एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम एक साथ ले लिया, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, और नेट फोर्स हो गया 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास हो गया 12 पूरे सिस्टम को, और ये आ गया 5/6। ओके, अब देखिए यहां ये बात जाएगी, ये तो दोनों एक साथ चल ही रहे थे लेकिन हमने इसको भी इसके साथ साथ रेस्ट में मान लिया था, तो इसको देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब आप इतना एक्सेलेरेशन इस पूरे सिस्टम को देंगे, मीन्स इतना एक्सेलेरेशन होगा, तो आप ऐसे देखिए इस पर सूडो फोर्स, आप एक ऑब्जर्वर बन जाइए और यहाँ पे खड़े हो जाइए और सूडो फोर्स एक पीछे की तरफ जो इसे खिसकाने की कोशिश करेगा क्योंकि एक्सेलेरेशन इधर है, तो वो बराबर होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन, इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन 5/6। ओके, तो इस पर जो फोर्स आया निकल के वो आ गया 5/3 न्यूटन, तो जो सूडो फोर्स इस पर निकल के आ रहा है वो आ रहा है बेटा 5/3 न्यूटन, लेकिन यहां जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मींस मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 4 न्यूटन का है, इसका मतलब ये जो फोर्स जो इसे पीछे खिसकाने की कोशिश करेगा इसके रिस्पेक्ट में वो कम है 4 न्यूटन से, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा क्योंकि सूडो फोर्स कम है जो इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तीनों ब्लॉक जो हैं एक साथ चलेंगे इस स्मूथ सरफेस के ऊपर और तीनों के एक्सेलेरेशन हो गए A1 = A2 = A3 और ये बराबर हो गया हमारा 5/6 m/s². ओके, और अब देखिए तीसरा जो पार्ट है जिसमें हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे 7 kg पे। ओके, तो अब देखिए मैंने क्या काम किया,
10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया इस पे, ओके। अब देखिए 10 न्यूटन, अब फिर हमें यह देखना है कि क्या 3 और 2 इसके साथ चलेंगे या नहीं, और वो तब तक हमें पता नहीं चल पाएंगे जब तक कि हम सिस्टम के एक्सेलेरेशन ना निकाल लें। तो प्रीवियसली हमने ये मान लिया कि ये तीनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं इसके ऊपर जो स्मूथ सरफेस है, ओके। तो नेट फोर्स तो 10 न्यूटन हो गया और ये तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे इसके ऊपर, तो एक्सेलेरेशन जो है वो आगे निकल के नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास 12, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब देखिए फिर से हम एक बार ये चेक करेंगे कि जो एक्सेलेरेशन ये निकल के आ रहा है इसके करेस्पॉन्डिंग जो इस पे सूडो फोर्स है वो कितना बन रहा है इस पे। देखिए इसके करेस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स पहले की तरह देखिए, हम इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स निकालेंगे और ये जानने की कोशिश करें क्या ये सूडो फोर्स खिसका पाएगा इधर, क्योंकि एक्सेलेरेशन सिस्टम का इधर है। तो ये मास इंटू एक्सेलेरेशन 5/6 दैट इज 5/3 न्यूटन, ओके। जबकि यहां पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था वो 4 न्यूटन था। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पूरा सिस्टम एक्सेलेरेट इतने से करेगा तो जो सूडो फोर्स है वो जो हमने अभी अभी निकाला है 5/3 न्यूटन वो बेटा लेस है कितने से, 4 न्यूटन से, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है 2kg 3 के साथ साथ चलेगा, ओके। और अब इसे भी चेक कर लेते हैं कि ये दोनों मिला के क्या इसके ऊपर तो नहीं खिसक पाएंगे, मतलब 3kg और 2kg एक यूनिट की तरह इस पर तो नहीं खिसकेगी। तो दोनों पे मिला के फिर एक साथ आप इस तरह से सूडो फोर्स निकालिए, आप इस पर ऑब्जर्वर बन जाइए, ये पूरी यूनिट 5kg की हो गई, ये 7kg की हो गई, और आप इस पर खड़े हो जाइए और ज़रा देखिए आपका एक्सेलेरेशन इधर है तो इस पर सूडो फोर्स कितना हो गया, इस पर सूडो फोर्स हो गया 5 × एक्सेलेरेशन इस पूरे सिस्टम मींस इसका एक्सेलेरेशन दैट इज 5/6, ये आ गया 25/6 न्यूटन। अब देखिए 25/6 न्यूटन जो है वो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था वो था हमारा F2 15 न्यूटन, तो ये 15 न्यूटन जो है ये जो हमने निकाला है अभी 25/6 न्यूटन दिस इज लेस देन F2 दैट इज 15 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिला के दोनों ब्लॉक मीन्स 2 और 3 kg वो भी यहाँ स्लाइड नहीं कर पाएंगे और ये फिर तीनों जो हैं एक यूनिट की तरह इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करेंगे जिसका एक्सेलेरेशन हो गया A1 = A2 और A3 दैट इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा इसमें और आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।